तीन दिन तक हमने जो है हुकूमत सिंध को और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर तीन दिन तक हमारे मुतालबात नहीं माने तो जो अभी हमने ओपीडी बंद की है उसके बाद हम अगला जो अमल होगा वो इंतहा सख्त होगा और हो सकता है हम ओपीडी इमरजेंसी भी बंद करें, वार्ड भी बंद करें और उसकी सीधी जिम्मेदारी सारी जो है सिंध गवर्नमेंट में और हेल्थ डिपार्टमेंट में होगी। सबसे पहले तो करप्शन के खिलाफ है, जो सिंध सेक्रेटरीट और हेल्थ डिपार्टमेंट करप्शन का गढ़ बन गया है, हमारी डिमांड सबसे पहले यही है कि ये करप्शन ख़त्म की जाए। वहाँ पे एक रेट चला हुआ है, छोटे काम का बड़े काम का एक रेट फिक्स किया हुआ है। हमारी डिमांड ये है कि ये करप्शन ख़त्म की जाए ताकि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो चैन की सांस ले, उनके काम हो सकें। और दूसरे हमारे जो मुतालबात हैं ये कोई नया मुतालबात नहीं है, ये हमारे तीन महीने पहले भी हमने एहतजाज किए थे, उसमें एक दो मुतालबात हमारे माने थे। उसमें सबसे पहले हेल्थ रिस्क अलाउंस था जो इन्होंने बहाल किया था, अभी अचानक उन्होंने रात में ही लेटर निकाल के बंद कर दिया है। हमारी डिमांड ये है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस हमारा फिल फोर बहाल किया जाए। इसके अलावा हमारी डिमांड ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ख़त्म करके जो हमारा नया मुतालबा है पीएमडीसी को बहाल किया जाए। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन, आज का जो एहतजाज है इसमें सबसे जो है सिंध, पूरे सिंध बल्कि पूरे सिंध में चल रहा है इस टाइम, और जो रिस्क अलाउंस दिया गया उसे वापस मंजमित किया गया, जिस सिंध हुकूमत की हम इस पर पुरपुर मजम्मत करते हैं, और सर्विस स्ट्रक्चर का जो लेंथ है उसे ही इनको बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ आवाम को हेल्थ की सहूलतें फराहम किया जाए। आज के एहतजाज का मुतालबा भी हमारा ये है, इसमें नर्सिस भी शामिल है, वाईडीए भी शामिल है और पैरामेडिक्स भी इसमें शामिल है। तो आज के एहतजाज का मकसद हमारा यही है कि पूरे मुल्क में एक सा स्ट्रक्चर बनाया जाए और पैरामेडिक्स के लिए एक कौंसल तश्कील दी जाए।